हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरा तो मेगुमी को बताता है, तुम्हारी वजह से ओडियो मुझसे नाराज होकर चली गई है। मेगुमी बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम ओडियो को लाइक करते हो। हरतु बोलता है, अब क्या फायदा, ओडियो मुझे ऐसे सुना कर गई है जैसे मानेगी नहीं आसानी से। मेगुमी हरतु को बोलती है, तुम डायरेक्टली जाकर उसे अपनी फीलिंग के बारे में क्लियरली बता दो। हरतु मेगुमी को बताता है, मैं ये वियर थिंग्स नहीं कर सकता। ओडियो खरगोशती है, मदर ओडियो से पूछती है, क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है। ओडियो शोक हो जाती है, मदर ओडियो को फोटोज दिखाती है उसकी हरतु के साथ। ये फोटोज तैनमा की स्टेप मॉम ने ओडियो की मदर को भेजी होती है। मदर बोलती है, अगर ये सच है तो तैनमा की मदर तुम्हारी एंगेजमेंट उसके साथ तोड़ देगी। ओडियो अपनी मदर को बताती है, मेरे और हरतु के बीच कुछ ऐसा नहीं है। मदर बोलती है, इन फोटोज को देखकर कौन इस बात को मानेगा। ओडियो मदर को बोलती है, क्या आपको मुझ पर बिलीव नहीं। मदर ओडियो को बोलती है, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। ओडियो मदर को बोलती है, मेरी जिंदगी में सिर्फ आप बची हो, और आप भी अगर मुझ पर ऐसे डाउट करोगी तो मैं क्या करूंगी। ओडियो गुस्से में घर से बाहर आ जाती है। तैनमा ओडियो से मिलने आ जाता है, मैंने अपनी मदर को उन फोटोज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दिया है। ओडियो बोलती है, प्लीज तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है, कहीं मैं अपने गुस्से में तुम्हें हर्ट ना कर दूं। तैनमा बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम मुझे हर्ट भी करोगी तब भी मैं उस दर्द को ले लूंगा। तैनमा की बातें ओडियो का गुस्सा गायब कर देती हैं। तैनमा ओडियो को अपनी मदर से भी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने को कहता है, जिसके बाद ओडियो अपनी मदर से माफी मांगती है उनसे सही तरीके से बात ना करने के लिए, और मदर माफ भी कर देती है। इसके बाद काइतो अपने ग्रुप के साथ हरतु को जाकर बताता है, तुम्हें मेगुमी को डेट करना होगा। मेगुमी एक बड़े रिसोर्ट और होटल के ओनर की बेटी है, यानी तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच है। हरतु बोलता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो। काइतो बताता है, हर जगह न्यूज फैल गई है, तैनमा ने आयतो को स्कूल को डोनेशन दिया है ओडियो के लिए, और अपनी फियांसी यानी ओडियो को आयतो को स्कूल में भी पढ़ा रहा है, जिस वजह से उसके मोमो स्कूल के स्टॉक बढ़ रहे हैं और आयतो को के गिर रहे हैं। ऊपर से अगर किसी को भी पता चला तुम तैनमा की फियांसी से प्यार करते हो, तुम सोच भी नहीं सकते आयतो को के साथ क्या होगा। हरतु काइतो को अपनी बात समझाने लगता है। काइतो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या फील करते हो, तुमने देखा स्कूल में हर कोई तुम्हें और मेगुमी को साथ लेकर बहुत एक्साइटेड था, इसलिए आयतो को के लिए मेगुमी को डेट करो। हरतु को कुछ समझ नहीं आता, ओटियो को चुनो या आयतो को। इसके बाद हरतु के फादर एक पार्टी में तैनमा की मदर से मिलते हैं। तैनमा की मदर हरतु के फादर को बता देती है, हरतु आजकल तैनमा की फियांसी ओडियो के साथ ज्यादा ही क्लोज है। ये सुनकर हरतु के फादर उसे ओडियो से दूर रखने का डिसाइड करते हैं, इससे पहले देर हो जाए। नेक्स्ट डे ओडियो तैनमा के साथ डेट पर जाती है, दोनों साथ में पूरा दिन एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। हरतु ओडियो को कन्फेस करने वहाँ आता है, पर ओडियो को तैनमा के साथ खुश देख कर कुछ नहीं कहता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, काइतो के कहने पर मेगुमी आयतो को स्कूल में ट्रांसफर ले लेती है ताकि हरतु के क्लास जा सके। हरतु मेगुमी को स्कूल में देखकर हैरान हो जाता है, मेगुमी ओडियो की ही क्लास में होती है। इसके बाद हरतु के फादर उसे ओडियो से दूर रहने को कहते हैं। ओडियो चाहे कितनी भी अच्छी हो पर वो हमारी फैमिली के स्टैंडर्ड की नहीं। हरतु भी कोई जवाब नहीं देता क्योंकि ओडियो ने पहले ही किसी और को चुन लिया है। फादर के चाहते ही मेगुमी हरतु से मिलने आती है। हरतु मेगुमी को बोलता है, मैं तुम्हारे गेम के हीरो की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं तो अपने फादर को ये तक नहीं कह पाया कि मैं ओडियो को पसंद करता हूँ और उसे चाहता हूँ। मेगुमी हरतु को बताती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए तुम खुद को हट करना बंद कर दो। हरतु बात को इग्नोर करने के लिए बोलता है, मुझे भूख लग रही है। मेगुमी हरतु को बताती है, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ। मेगुमी अपने हाथों से खाना हरतु को खिला रही होती है। हरतु बोलता है, मैं खुद खा लूंगा, और खाना टेस्ट करता है। मेगुमी पूछती है, कैसा लगा। हरतु बोलता है, एकदम बकवास, मेडिसिन जैसा टेस्ट आ रहा है। मेगुमी बोलती है, मैं अगली बार कुछ और बना कर लाऊंगी। हरतु बोलता है, बस करो और कुछ मत बना कर लाना। इसके बाद ओटियो तैनमा के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाती है, तभी ओडियो को वहाँ हरतु भी दिखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। हरतु मेगुमी के साथ वहाँ आया होता है। मेगुमी बोलती है, हम चारों साथ में एंजॉय करते हैं। ओडियो घबरा रही होती है और तैनमा को वहाँ से लेकर जाने लगती है।
लेकिन तैनमा बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे तू देखता है तैनमा उससे भाग नहीं रहा तो मैं क्यों पीछे हटूं, यानी हाँ कर देता है। ये सब देख कर उठियो को समझ नहीं आता अब उसके साथ क्या होगा। अरे तू तैनमा को उसके साथ एक राइड पर बैठने को कहता है। तैनमा बोलता है मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठूंगा। अरे तू बोलता है क्यों डर गए। हरत्तू की बातें सुनकर तैनमा बैठ ही जाता है। हरत्तू ऐसा इसलिए करता है ताकि ओटियो को दिखा सके तैनमा कितना वीक है और मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन एंड में हरत्तू की ही हालत खराब हो जाती है। इतने से हरत्तू का मन नहीं भरता तो तैनमा को हॉन्टेड हाउस में भी ले जाता है, पर वहाँ तो हरत्तू की बैंड ही बज जाती है। तैनमा ये सब देख कर हरत्तू से पूछ ही लेता है क्या तुम ओटियो को पसंद करते हो। हरत्तू बोलता है अगर करता हूँ तो। तैनमा बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता करते हो या नहीं, पर मैं ओटियो को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। चारों अम्यूजमेंट पार्क से जा रहे होते हैं तभी एक बेबी वॉकर में गिर रहा होता है। हरत्तू और तैनमा उसे बचाने जाते हैं पर हरत्तू बचा लेता है। हरत्तू सोचता है अब तो पक्का ओटियो उसे हग करेगी उसकी बहादुरी को देख कर। लेकिन मेगुमी हरत्तू को हग कर लेती है। तैनमा ओटियो को वहाँ से ले जाता है। हरत्तू सोचता है चाहे मैं कुछ भी कर लूं तैनमा से जीत नहीं पाऊंगा। तैनमा और ओटियो डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में होते हैं। ओटियो हरत्तू के ख्यालों में ही डूबी होती है। ओटियो को खोया हुआ देखकर तैनमा को उस पर गुस्सा आता है। ओटियो देखती है तैनमा फर्स्ट टाइम मुझ पर गुस्सा हुआ है। ओटियो को लगता है ये सब हरत्तू की वजह से हो रहा है, इसलिए ओटियो तैनमा को बोलती है मैं अभी आती हूँ तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। ओटियो हरत्तू के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। हरत्तू बताता है हाँ तुम्हारे अलावा मुझे कुछ सोचता नहीं। ओटियो हरत्तू को बोलती है थैंक यू मुझे लाइक करने और ऑनेस्टली अपनी फीलिंग बताने के लिए, पर मैं तैनमा के साथ ही रहना चाहती हूँ। ओटियो हरत्तू को वो गुल्लक चाम वापस कर देती है जो हरत्तू ने ओटियो को गिफ्ट किया था। हरत्तू ओटियो को बोलता है क्या तुम हम दोनों का ऐसा एंड चाहती हो। ओटियो भी हरत्तू को पसंद करती है पर तैनमा ने उसके लिए इतना कुछ किया होता है कि उसकी स्माइल के लिए हरत्तू को रिजेक्ट कर देती है ताकि तैनमा के साथ आगे बढ़ सके। ओटियो तैनमा को जाकर बता देती है मैंने हरत्तू को क्लियर कर दिया है मैं सिर्फ तैनमा को चाहती हूँ और उसी के साथ रहूंगी। तैनमा खुश होकर ओटियो को किस कर देता है और तैनमा मोमो स्कूल में ट्रांसफर होने को कहता है। ओटियो एग्री हो जाती है। नेक्स्ट डे ओटियो स्कूल में देखती है हरत्तू को रिजेक्ट करने के बाद उसका स्कूल में बिहेवियर काफी रूड हो गया है और वो सभी पुअर स्टूडेंट को स्कूल से निकाल रहा है। ओटियो को लगता है हरत्तू उसकी वजह से स्टूडेंट को निकाल रहा है इसलिए उससे बात करने जाती है, पर ईसा और उसका फ्रेंड ओटियो को हरत्तू के पास जाने से रोक लेता है। ईसा ओटियो को मना करता है हरत्तू से बात करने के लिए और ईसा ओटियो को बताता है तुम ये मत सोचना हरत्तू तुम्हारी वजह से ये सब कर रहा है। हरत्तू ये सब सिर्फ आयतोको के लिए कर रहा है इसलिए उसे रोकना मत। इसके बाद ओटियो तैनमा और उसकी मदर के साथ डिनर पर जाती है। मदर ओटियो को बताती है मैं खुश हूँ तुम मोमो स्कूल में ट्रांसफर हो रही हो, पर मैंने तुम्हें आयतोको स्कूल में रहने की कंडीशन इसलिए दी थी क्योंकि मैं तुम्हारी और तैनमा की एंगेजमेंट के खिलाफ थी और मुझे लगा तुम आयतोको स्कूल में आसानी से नहीं रह पाओगी जिस वजह से तुम दोनों की एंगेजमेंट टूट जाएगी, पर मुझे क्या पता था तैनमा तुम्हारे ही प्यार में पड़ जाएगा। ये सब तैनमा भी सुन लेता है। इसके बाद हरत्तू के फादर उसे अपने साथ डिनर पर चलने को कहते हैं। हरत्तू को शर्माता है फर्स्ट टाइम उसके फादर उसे अपने साथ कहीं लेकर जा रहे हैं। हरत्तू को लगता है शायद उसके फादर उसकी स्कूल परफॉर्मेंस से खुश है। दोनों डिनर पर जाते हैं जहाँ मेगुमी भी अपने फादर के साथ आ जाती है। मेगुमी को नहीं पता होता उसके फादर उसे वहाँ क्यों लाए हैं। हरत्तू के फादर बताते हैं हम तुम दोनों की एंगेजमेंट कराना चाहते हैं। हरत्तू अपने फादर से बोलता है आप मुझे इसलिए यहाँ लाए थे। फादर हरत्तू को बोलते हैं और किस लिए लाऊंगा, मेगुमी हमारी फैमिली के लिए एक परफेक्ट डॉटर इन लॉ रहेगी और तुम एक नंबर के निकम्मे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए मेगुमी जैसी लड़की तुम्हें मिल रही है। मेगुमी से हरत्तू की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती और बोलती है हरत्तू बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है इवन अपना बेस्ट देता है। मेगुमी हरत्तू को हर्ट नहीं करना चाहती इसलिए उसको खींच कर वहाँ से ले जाती है। मेगुमी के फादर उसे रोकते हैं। हरत्तू के फादर बोलते हैं जाने दो उन्हें दोनों साथ में हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।